हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू रिचार्ज मैनर दोस्तों मैंने ऑर्डर किया है ये ब्रोलाविया का ओवरहेड वीडियो मोबाइल स्टैंड विद विद टेन इंच रिंग लाइट क्योंकि आ, जो भी क्रिएटर होते हैं खासकर कुकिंग वीडियो या फिर ओवरहेड कुछ भी रिकॉर्ड करना होता है तो उसके लिए रिंग लाइट की एंड इस तरीके के एक ट्राईपॉड या फिर ओवर मोबाइल स्टैंड की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि उसके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलता इसीलिए मैंने इस होल्डर को ऑर्डर किया है और वैसे तो मेरे पास ट्राई है बट इसका काम अलग ही है तो कुछ इस टाइप की इसकी पैकेजिंग आई है आ इसके बहुत सारे वेरिएंट है अगर आप चाहें तो बिना रिंगलाइट के भी परचेज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आ मतलब अलग अलग टाइप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें अलग अलग, अलग चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं वैसे तो इसका प्राइस 1500 प्लस था अभी सेल से पहले बट अब सेल में मुझे ये 1384 हंड्रेड के अराउंड मिल गया है और काफी अच्छी डील मुझे मिल गई काफी टाइम से मैंने इसको विशलिस्ट कर रखा था तो अभी जो ये ग्रेट इंडियन सेल चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है इसमें मैंने इसको परचेज किया है तो ये कुछ इसके जो है पार्ट्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ तो इसमें जैसे मैंने बताया अलग अलग वेरिएंट आते हैं तो ये जो वेरिएंट मैंने परचेज किया है ये मैंने मोबाइल ये मैंने मोबाइल के लिए परचेज किया है आप चाहे तो इसमें टैबलेट के लिए भी इसको परचेज कर सकते हैं तो ये रिंग लाइट का अटैचमेंट है और एक और अटैचमेंट था जिसको आप अपने किसी भी जगह पे जहां इसको फिक्स करना चाहते हैं उसमें फिक्स कर सकते हैं और ये जो मैं ओपन कर रही हूं ये मोबाइल होल्डर है वैसे तो ट्राईपॉड भी काफी काम करता है बट ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट होता है क्योंकि ये आप इसको एक जगह पे फिक्स कर सकते हो और फिर आपको मोमेंट में दिक्कत नहीं होती कई बार जब हम कुकिंग वीडियोस बना रहे होते हैं तो हमें मोमेंट में दिक्कत होती है अगर हम ट्राईपोड का स्टैंड बीच में रख देते हैं तो या फिर रिंग लाइट का जो स्टैंड होता है वो बीच में बहुत फंसता है आने जाने में तो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे इसको परचेज करना चाहिए तो ये आप देख सकते हो इसमें मुझे टेन इंच की ये रिंग लाइट मिली है और ये एक पेपर सा मिला हुआ है Uh, कि इसको हमें कैसे यूज करना है इसके अलावा कोई और बुकलेट वगैरह इसके साथ मुझे नहीं मिली है तो ये छोटी सी रिंग लाइट है इसको आप यहाँ पर जो है दीवार में भी टांग सकते हो कील वगैरह पर उसमें ऊपर ऐसा जो है दे रखा था होल सा जैसे फ्रेम्स के पीछे होता है एंड इसमें लाइट का मोड चेंज करने के लिए एंड उसको डिम या तेज करने के लिए भी बटन्स दिए हुए हैं अब मेन पार्ट को देख लेते हैं ये जो इसका आर्म आया हुआ है मेटल का तो काफी ज्यादा स्मूथ सा मुझे लगा ऐसा नहीं है कि मतलब ढीला सा हो लग रहा हो बट स्मूथ इसका मूवमेंट था और जो बो, बोरोलाविया की यहां पर ब्रांडिंग भी हो रखी थी तो इस तरीके से ये है अब इसके सारे अटैचमेंट को इसमें ज्वाइन कर लेते हैं तो ये वाला जो अटैचमेंट है मैं पेपर में जो पिक्चर बनी हुई है उसके हिसाब से अटैच कर रही हूं जिधर इसका जो है फेस रखना है यहाँ पर इस तरीके से मुझे दिखाया था बट ऐसा जरूरी नहीं कि आपको इसी साइड रखना है आई थिंक आप इसको किसी भी तरफ रखकर एडजस्ट uh, कर सकते हो अभी ये जो uh, एक स्टील की रॉड सी इसमें दे रखी है स्टार्टिंग में यहां पर ये बॉल हेड जो मिला हुआ है इसको फिक्स करना है यहां पर तो इस तरीके बहुत से बहुत आसानी से घूमकर फिक्स हो जाता है इसके ऊपर अब हमें जो मोबाइल का होल्डर है उसको फिक्स करना है तो नीचे यहाँ पर होल सा रहता है आप इसको लंबाई में या फिर इस तरीके से किधर से भी इसको अटैच कर सकते हैं दोनों तरफ से ये लग जाता है इसके बाद ये वाला जो अटैचमेंट है ये है हमारे रिंग लाइट में लगाने के लिए तो इसको लगा लेंगे बहुत ही आसानी से सारे अटैचमेंट लग जा रहे हैं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है अब इसको हमें आम पर फिक्स करना है तो यहां पर मैं इसको फिक्स कर रही हूं ये बहुत अच्छी बात है कि ये क्लैम्प अलग से मिल जाता है इसको आप चाहें तो इसमें ज्वाइन करके भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो रिंग लाइट को अलग से भी यूज कर सकते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको एक साथ ही दोनों ही चीज यूज करनी है तो ये सारी चीजें अटैच हो गई हैं और रिंग लाइट के बीच में भी जगह है अगर आप चाहें तो वहां पर भी मोबाइल को होल्डर को लगा सकते हैं तो चलिए अब इसको लगा लेते हैं अटैच कर लेते हैं कुकिंग वीडियो की शूटिंग के हिसाब से तो यहां पर मैं स्लैब पे इसको लगाऊंगी बट अगर इस तरीके से लगा लेंगे तो हमारा ये डोर है ये नहीं खुलेगा और कोई भी सामान अगर हमें यहाँ से निकालना है कुकिंग के टाइम में तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी तो इसलिए मैंने ये जो डोर है इसको ओपन कर लिया है और उसके बाद मैं इसको यहां स्लैब पर अटैच कर रही हूं तो इस तरीके से इसको अटैच करना है इस तरह से जो ये नीचे एक जो रॉड सी दी हुई है पतली से इसको घुमाएंगे आप तो बहुत अच्छे से ये एकदम टाइट हो जाता है तो बिल्कुल अच्छे से ये टाइट हो चुका है और इसको हिलाकर चेक करेंगे तो बहुत ही मजबूती से लगा बिल्कुल भी ये निकलने वाला नहीं है तो अब आप आसानी से यहां से सामान भी अपना निकाल सकते हो डोर ओपन है तो वरना ये दिक्कत हो सकती थी तो अब इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मूवमेंट हो रहा है रिंग लाइट भी आराम से मूवमेंट कर रही है और आम भी बहुत अच्छे से आके और पीछे की तरफ जा रहा है और लेफ्ट राइट आप इसको कैसे भी घुमा सकते हो तो यहां पर मैंने मोबाइल होल्डर में मोबाइल को फिक्स कर लिया है ये मैंने लंबे तरीके से लगाया हुआ है पोर्ट्रेट मोड में तो इस तरीके से आप चाहे तो रील्स वगैरह की शॉर्ट्स वगैरह की भी शूटिंग कर सकते हैं और इसका आप एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे आपको कैसे रखना है और रिंग लाइट पीछे से जलती रही रहेगी तो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं दूसरा तरीका मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हमें कुकिंग वीडियोज या फिर ओवर हेड कुछ भी शूट करने हैं तो इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे कैमरे को और बैक कैमरे से अब हम इसकी शूटिंग करेंगे जो भी चीज हमें वीडियो बनाना है तो ये सेटिंग मैंने कर ली है और इस तरीके से आप इसको घुमाकर एडजस्ट कर सकते हैं आम को भी और जो मोबाइल होल्डर है वहां पर भी इसको भी आप इस तरीके से मूवमेंट इसका कर सकते हैं जिस तरफ से भी चाहें आप जो है शूटिंग कर सकते हैं तो ये एडजस्ट करना है आपको और सारी चीजें ही एडजस्टेबल है आप कहीं से भी इसको किधर से भी सारा कुछ मतलब घुमाकर सेट कर सकते हो तो कुछ इस टाइप से ये दिखाई देता है और बिल्कुल आप फ्री रहते हो नीचे के साइड में आपके पैरों के पास कोई भी स्टैंड या वो नहीं होता है जिससे आप इधर से उधर आते जाते हो तो आपको दिक्कत होती है क्योंकि मेरे पास जो अठारह इंच की रिंग लाइट है उसका जो स्टैंड है वो काफी ज्यादा बड़ा है नाइन जो है फीट वाला है तो वो काफी चौड़ा होकर आता है तो मुश्किल होती है आने जाने में कहीं भी तो ये मैं बता रही थी आपको कि जो रिंग लाइट है आप चाहें तो यहाँ से निकाल कर आप कहीं और भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको साथ में नहीं लगाना है तो अब यहाँ पर मैं मोबाइल को फिर से इसमें लगा रही हूं और अब हम शूटिंग करके चेक करेंगे इसकी लाइट्स को हम टेस्ट करेंगे तो ये मैंने अटैच कर दिया है और अब मैं आपको इसका वायर दिखा देती हूँ तो इसके जो लाइट के साथ वायर आता है वो उसमें कुछ इस टाइप का यूएस बी बी पोर्ट दिया हुआ है इसको मैं मोबाइल होल्डर सॉरी मोबाइल चार्जर के साथ अटैच कर रही हूँ और इससे ये ऑन हो जाता है और इसको चेंज करने के लिए लाइट्स इसमें मोड्स दिए हुए हैं तो आप इसका जैसे रिमोट टाइप का बीच में दिया हुआ है उससे आप इसको चेंज कर सकते हैं तीन मोड आते हैं इसमें एक थोड़ा येलो टोन में लाइट है और दो वाइट टोन में आती हैं इसमें आपको प्लस और माइनस भी जो है दो बटन मिल जाते हैं जिससे आप लाइट को धीमा और तेज कर सकते हैं तो ये रहे ऑप्शंस तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ लाइट के साथ तो ये सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन है इससे आप लाइट के मोड चेंज कर सकते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ तो इस तरीके से ये मोड चेंज हो रहे हैं इसके बाद मैं माइनस एंड प्लस का भी साइन आपको दिखा देती हूँ तो लाइट को मैं माइनस कर रही हूं तो आप देखिए तो लाइट धीमी और तेज हो रही है प्लस और माइनस के साइन को पुश करने से तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं जितनी आपको लाइट चाहिए तो करीब टेन पॉइंट ये धीमा और तेज होती है तो चलिए अब वीडियो को शूट करके चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने लाइट ऑफ कर दी है अभी और अब हम जो अपना स्टैंड है उसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे साथ ही अपने मोबाइल को भी एडजस्ट करेंगे जहाँ पर हमें शूटिंग करनी है जैसे मैं अभी कुकिंग वीडियो शूट करने के लिए इसको आ, मतलब देख रही हूँ तो यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया है और उसके ऊपर मैं अपना कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी एडजस्टमेंट है आप इसको खिसका कर, कर सकते हैं और जितना आपको ऊपर नीचे करना है कैमरा उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए और जब आप बिल्कुल आपको लगे कि सही पोजीशन में आ गया है उसके बाद से आप अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं तो चलिए अब लाइट को चेक कर लेते हैं यहाँ पर मैंने अभी लाइट ऑफ कर रखी है तो अब मैं आपको दिखाती हूँ लाइट ऑन करके कितना फर्क पड़ रहा है तो ये मैंने पूरा आपको दिखा दिया बिना लाइट के कैसा लग रहा है हाथ वगैरह आप देख सकते हो कितनी लाइट आ रही है इसमें कितनी नहीं और अब मैं इसको ऑन करूँगी तो ये मैंने लाइट ऑन कर दी है और देखिए एकदम से चमक सी आ गई है वीडियो में तो बहुत फर्क पड़ता है आप लाइट के बिना बनाते हो या फिर लाइट के साथ बनाते हो तो, तो ये हो गया अभी हम इसके मोड भी चेंज करके चेक करेंगे तो आप देखिए क्या फर्क पड़ रहा है एंड इसके बाद मैं जो है अपने हाथों को भी इसमें ऐड करूंगी जैसे हम खाना बनाते हैं और उसमें किस तरीके का फर्क पड़ता है तो आप देख रहे होंगे कि जो पहला वीडियो था जिसमें मैंने लाइट ऑफ कर रखी थी उसमें हाथ थोड़े फीके फीके से आ रहे थे मतलब उतना लाइट उसमें नहीं

ये ट्राईपॉड के पाए होते हैं उनको ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता है जो हाइट है उसको एडजस्ट करने के लिए तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी अब चूंकि इसको मैंने अभी फर्स्ट टाइम ओपन किया है तो आज तो ये अच्छा चल रहा है बट कुछ टाइम यूज करने के बाद ये कैसा चलता है वो तो मैं आपको यूज करने के बाद ही बता पाऊंगी तो चलिए इसको यूज करती हूँ मैं कुछ टाइम तक और अगर मुझे, मुझे मौका मिला तो मैं इसका रिव्यू एक बार फिर से दूंगी अच्छे से यूज करने के बाद तो इस प्रोडक्ट को अगर आप भी परचेज करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड बने रहिएगा मेरे चैनल पर आगे भी और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग